आपको याद होगा आज से ठीक 6 महीने पहले मुंबई में कुल 18,000 करोड़ की लागत से अटल सेतु ब्रिज तैयार किया गया था। नरेंद्र मोदी ने बड़ी धूमधाम के साथ इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया था। मेन स्ट्रीम मीडिया पर नरेंद्र मोदी को हीरो की तरह पोज देते दिखाया गया और खूब फोटो शूट हुआ, पर आज 6 महीने में इस ब्रिज पर दरारें देखी जा रही हैं। ये दरारें इस बात का सबूत है कि मोदी राज में ऊपर से लेकर नीचे तक धड़ल्ले से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चल रही है, जिसका सबूत ये ब्रिज आप देख सकते हैं। ये ब्रिज बनने के सिर्फ 6 महीने में ही टूटने लगा है। अगर 18,000 करोड़ का सही इस्तेमाल कर ब्रिज को बनाया जाता तो आज इस ब्रिज की यह हालत नहीं होती। इनॉग्रेशन के वक्त मोदी ने हरी झंडी दिखाकर खूब वाहवाही बटोरी थी, पर अब इस ब्रिज पर दरारें पड़ने के बाद इसका क्रेडिट लेने कोई बीजेपी नेता यहां नजर नहीं आ रहा। ये पहला काम नहीं है, मोदी सरकार में हुए ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। पिछले 10 सालों में ऐसे ना जाने कितने हाईवे, एक्सप्रेसवे, पुल, फ्लाईओवर, सड़क, टनल और दीगर प्रोजेक्ट हैं जिसके बनने के महज कुछ ही वक्त में पानी जमा होना और गिरने टूटने के मामले सामने आए हैं। अटल सेतु ब्रिज पर पड़ी दरारें एक बार फिर मोदी सरकार में विकास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार और घोटालों की याद दिला रही हैं, जिसमें देश की जनता के पैसों को लगातार लूटा गया है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अलशरे पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अलशरे पीयू कॉलेज फॉर गर्ल एट मुस्लिम चौक, बिजगोरी, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अलशरे BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड अलशरे पब्लिक स्कूल, पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड, एडमिशन आर ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स। देखो, मैं एक सवाल गवर्नमेंट को करना चाहता हूँ। अभी बारिश नहीं गिरी है, अभी बम्बई में भी जिस तरह से बारिश होना चाहिए था बारिश नहीं हुई, नहीं तो पूरा रास्ता ही बह जाता। बगैर बारिश के बाद भी 2-2.5 फीट रास्ता अगर पूरा क्रैक हो गया होगा तो इसका अंदाज क्या लिया जाएगा। अटल सेतु की बात सरकार करती है, उसको चढ़ने वाले रास्ते हो, अटल सेतु, आप जो समृद्धि मार्ग देखो तो क्या हुआ है, सब जगह तो भ्रष्टाचार है, लोग तो मर ही रहे। लोग मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। स्पष्टीकरण सरकार दे रही है छुपाने के लिए, लेकिन वो तो मानते हैं ना क्रैक आया। कब हुआ रास्ता? 3 महीने पहले। 3 महीने के बाद कैसे रास्ता क्रैक हुआ? ये अटल सेतु का लिंक है ना, वो क्यों नहीं बोलते कि अटल सेतु का लिंक नहीं है? वो अटल सेतु का ही लिंक है, वो उसी से चढ़ते हैं ना रास्ते पे। अगर रास्ता ही ढह जाएगा और लोग वहां पे हो गए तो वो तो जाएगा ना समंदर में, समंदर में रास्ता है। सरकार अपने पाप छुपाने के लिए अगर झूठ बोल रहे तो उनका इश्यू है। मेरा काम था कि जनता के पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसके परिणाम जनता भुगत ना भुगते उसके लिए हमने सरकार को अलर्ट किया है। अगर सरकार अपने पाप छुपाने के लिए अगर झूठ बोल रही है तो सरकार का जवाबदारी है।